अलीगढ़ में दीपावली पर कुछ जगहों पर लापरवाही से पटाखे छोड़ना बच्चों और बड़ों दोनों को भारी पड़ गया, जिसके चलते करीब 10 से अधिक जख्मी बच्चे गांधी नेत्र चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। गांधी नेत्र चिकित्सालय में पटाखा छुड़ाते समय आंख में चिंगारी घुसने से जख्मी करीब 20 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है अनार और चटाई जलाते समय चिंगारी से इनकी आंख और हाथ जख्मी हो गए। ये हमारा गांधी नेत्र चिकित्सालय हॉस्पिटल है, इसमें हमारे पास में कम से कम 10-15 बच्चे एडमिट हैं जो कि ये पटाखों से ज़ख्मी हुए हैं। मेरा संदेश अलीगढ़ वासियों से यही है कि आप लोग जो ये पटाखे जो बंदूकों में भर के जो चलाते हैं गंदक और पोटाश वाले, उसको रोक कर बच्चों को ऐसे पटाखे ना दिए जाएं, क्योंकि बच्चे उनसे बहुत ज़ख्मी हुए हैं और उनकी आँखों पर बहुत ही नुकसान हुआ है। पटाखे आप फुलझड़ी उनको दें, वह ऐसी चीज़ें ना दें उनको जिससे कि उनकी आगे ज़िंदगी भयभीत हो और परेशानी में जाए। तो किस तरह का कहाँ कहाँ जले हैं ये जो बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी दोनों आँखें बहुत ज़ख्मी हुई हैं, दोनों आँखें उनकी बहुत ख़राब हैं, चेहरे जले हैं, उनके हाथ पैर जले हैं। एक हमारे यहाँ पर पुलिस वाले हैं जो कि ऑन ड्यूटी वो अपने ड्यूटी करने जा रहे थे और किसी दूसरे बच्चे ने पटाखा छोड़ा और उनकी आँख पर जाके लगा, उनकी आँख बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो गई है। मैं देव कुमार जैन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अलीगढ़ बोल रहा हूँ। और मैं एक बालक जो यहाँ पर एडमिट है उसको देखने आया था, वो बालक जख्मी हुआ था दीपावली पर, नलिया जो गंदक पटाख से चली हैं उस संदर्भ में उस बच्चा घायल हुआ और बहुत से लोग काफ़ी बच्चे नलिया वाले, एक बच्चा नगाज पड़ा अतरौली में भी एडमिट है यहाँ पर, वो भी घायल हुआ। इसी वजह मैं ये चाहूँगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आगामी दीपावली पर निवेदन करूँगा, वहाँ मिलूँगा भी, कि वो आगामी दीपावली पर इन नलियों पर रोक लगाने की कृपा करेंगे व स्पष्टी करेंगे।